नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे व्लॉग में। और मैं आपको दिखाऊंगा कि हम किस तरह से जो यूरिया है और नाइट्रोजन है उसकी बचत करते हैं केमिकल यूरिया की बजाय। नेचुरल जो यूरिया है, मूत्र, गौमूत्र, मेरे पास ये लाल रंग की गाय है, देखिए आप, गौमूत्र और कुछ बेफेलो यूरिन भी है इसमें। ये कलेक्शन पिट है और यहाँ हमने इसको कलेक्ट कर लिया, अपने आप नेचुरली कलेक्ट हो जाता है ये। इसके बाद इसको हम बाल्टी में डाल सकते हैं, ऐसे कलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए, बिल्कुल आपको हाथ से टच करने की आवश्यकता नहीं है, आपकी सुविधा अनुसार ये बाल्टी में आ जाएगा पूरा। ये आप देख सकते हैं किस तरह से पूरा हमने कलेक्ट कर लिया है बाल्टी में। एक्चुअल में ये फर्मेंटेड यूरिन है, और फर्मेंटेड यूरिन हम कैसे तैयार करते हैं ये भी मैं आपको दिखाऊंगा माइक्रोब्स की सहायता से, बैक्टीरिया, जीवाणु जिन्हें आप कहते हैं, उनकी सहायता से हम फर्मेंटेड यूरिन तैयार करते हैं। और ये फर्मेंटेड यूरिन है, ये पौधों में फास्फोरस, पोटास और नाइट्रोजन की जो कमी है उसको पूरा करता है। ये देखिए, मैंने कहीं हाथ से टच नहीं किया इसको, पूरा का पूरा ऑटोमेटिक है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा कलेक्शन पिट मैंने कैसे बनाया ये भी मैं अपने नए व्लॉग्स में आपको दिखाऊंगा। तो धन्यवाद दोस्तों, बने रहिएगा मेरे साथ और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि मैं जो भी नए व्लॉग बनाऊं आप देख सकें, और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको सूचना मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।